हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमिंग। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्पॉन्ज गोर्ड यानी कि तोरई को हम कैसे घर पर आसानी से उगा सकते हैं और इससे वेजिटेबल भी हमें यानी कि तोरई हमें मिलेगा। ये है मेरे पास कुछ तोरई के सीड्स। ये देखिए, ये आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था वही आप लोगों को कहा था कि एक एक कर इसके वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। ये वही सीड्स है, ये देखिए। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये देखिए है मेरे पास 2 गिलास, इसमें ही मैं 2 सीड्स को लगा लूँगा। ये मिट्टी जो है मैंने तैयार किया हुआ है कि ये जो गार्डन सॉइल है, थोड़ा कंपोस्ट है और थोड़ा सैंड मिलाया हुआ है। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। ये देखिए, ये हम आ गए हैं 7 दिन बाद। तो देखिए प्लांट कितना बड़ा हो चुका है, यानी कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो चुका है, लेकिन इसके पत्तियाँ देखिए जो अपने शेप में अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा हो दिख रहा है, बड़ा ही है, दिख नहीं रहा है। ये हम आ गया है 15 दिन बाद, इसको हम लगा लेंगे। लेकिन इसके मिट्टी के बारे में बताते हैं, ये जो मिट्टी है तो इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल, 40% जो वर्मी कंपोस्ट है और 10% सैंड मिलाया हुआ है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये देखिए मेरे दोनों प्लांट है, ये जो बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने जिस जगह पे लगा रहा हूँ, एक फ्रूट्स का जो कंटेनर होता है बड़ा साइज़ का, तो उसमें ही मैं लगा रहा हूँ। दोनों की ही लगाऊंगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा है ये, इसमें ठीक से हो जाएगा ये, यानी कि इसके लिए जो जगह चाहिए होगा ये सफिशेंट होगा। एक भी लगा सकते हैं आप, मैं 2 लगा रहा हूँ। तो चलिए ये तो हो गया है, अब इसमें पानी डाल देता हूँ। ये देखिए, ये हम आ गए हैं 23 डेज बाद। तो देखिए ये बढ़ना स्टार्ट कर चुका है, देखिए कितना तेज़ी से बढ़ चुका है। ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है, ये देखिए थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक से बढ़ जाएगा। इसके मिट्टी को देखिए आप, ये थोड़ा सख्त लग रहा है ना, क्योंकि ये बारिश हुआ था, तो इसी वजह से कुछ दिन बारिश के बाद ये थोड़ा मिट्टी सख्त हो जाता है और तो ऊपर थोड़ा कंकड़ भी आ चुका है। तो इसकी थोड़ा खुदाई कर देंगे हम, ऐसे करके खुदाई कर देंगे और इसके मिट्टी को थोड़ा झुरझुरा कर देंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा तो फिर सख्त हो जाएगा। ये देखिए, ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए इसके लते जो है ये ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, नहीं तो इसको ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम कुछ लगाएंगे, जैसे कि पकड़ कर ऊपर उठ चुके। ये देखिए हम गए हैं 1 महीने बाद। तो ये देखिए मैंने जो नेट है उसको लगा दिया है, जैसे कि इससे ये आसानी से ऊपर चल सके। जो ये जो नेट है इसको ये जो पकड़ कर थोड़ा तेज़ी से बढ़ सके और इसके जो ब्रांचेस हो चारों ओर से ये जा सके ठीक से। ये तो बहुत आसानी से चढ़ जाएगा और इसको उगाना, तोरई को उगाना आप लोगों के लिए थोड़ा आसान ही होगा, कठिन नहीं होगा ज़्यादा। ये देखिए इसमें कली भी आ चुका है। ये देखिए हम आ गए हैं 39 डेज बाद। तो ये जो कली था ये तो खिल चुका है। ये देखिए इस यहाँ पर भी है एक फूल है, जो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े मुझे दिख रहा है थोड़े तो जो एंट है ब्लैक वो घूम रहा है। इसके लिए थोड़ा साबुन पानी का जो लिक्विड होता है वो थोड़ा स्प्रे करना ही काफ़ी होगा। ये हम आ गए हैं 46 डेज बाद। ये देखिए
ये छोटे छोटे हो चुका है तो बढ़ने लगा है ये, ये देखिए ये तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है उससे, ये आसानी से बढ़ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसे घर पर ज़रूर ग्रो करना, एक बार के लिए ही सही। तो ये देखिए इसके बाद ये जो है 51 डेज़ बाद ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और खाने लायक हो चुका है, लेकिन अफसोस की एक बात है कि मैं इसका वीडियो नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं इसको वीडियो शूट कर चुका हूँ, हालांकि मैं सिर्फ पिक्चर लिया था, तो इसीलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो अच्छी तरह से केयरफुली ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।